आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज ना होने के कारण 20 से 25 गांव के लोगों को हर दिन हो रही है परेशानी। दरअसल सोलापुर जिले के औज व अहरवाड़ी गांव के पास वाले जुआरी चिट्टीनाड़ और बिरला सीमेंट फैक्ट्री से मेन रेलवे गेट नंबर 61 से कई मालगाड़ियाँ जाती हैं, जहाँ औज अहरवाड़ी इंगड़गी आछे गाँव कनबस शिरवड़ आलेगाँव जैसे 20 से 25 छोटे मोटे गाँव का ये मुख्य रास्ता माना जाता है, जहाँ हर दिन कई लोग काम के सिलसिले में शहर आते हैं तो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए शहर आते हैं, और तो और कई गर्भवती महिलाओं को तुरंत अस्पताल जाना होता है तो 108 नंबर की इमरजेंसी एम्बुलेंस कभी कभार जाती है। लेकिन इस रेलवे गेट के कारण हर दिन कई लोगों को परेशानी हो रही है तो एम्बुलेंस को भी आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। गाँव के लोगों की मांग है कि सेंट्रल रेलवे और सोलापुर रेल प्रशासन फौरन यहाँ ओवरब्रिज बनाए ताकि ये समस्या हल हो जाए। अगर यहां आने वाले समय में ओवरब्रिज ना बना तो एक बड़ा आंदोलन करने का इशारा गांव के लोगों ने दिया है। नमस्कार, आम्ही दक्षिण सोलापुर तालुक्यातील इंगळगी येथून या ठिकाणी आम्ही सर्व इंगळगी गाँव असेल किंवा आले गाँव असेल या आसपासच्या गावातील सर्व जे काय ग्रामस्थ आहेत, जेवूर असेल येथील ग्रामस्थ, या ठिकाणी आमच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही या तिलाटी गेटच्या इथं सरकारला याची जाणीव करून देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। तर गेल्या 2-3 वर्षापासून या गेट संदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण पाहत आहात की हे काम होणार आहे, होत आहे, प्रत्यक्षात जर काम आज सुरू होत असेल तर या कामासाठी वर्ष ते 1.5 वर्षाचा कालावधी लागतो, परंतु अजून कुठल्याही प्रकारचं या ठिकाणी निविदा किंवा टेंडर या ठिकाणी निघालेले नाहीत, तर बेहाल या ठिकाणी होत आहेत। एखाद्या वेळेस या ठिकाणी जोऊर असेल, आलेगाव असेल, कणबस असेल किंवा आचेगाव असेल, या भागातील एखादा पेशंट या रस्त्यातनं ॲम्ब्युलन्समधून आला तरीसुद्धा या ठिकाणी गेट जर पडलं तर जवळपास 15 ते 20 मिनटाचा कालावधी या ठिकाणी लागतो, आणि अशा ह्याच्यामध्ये सिच्युएशनमध्ये पेशंट दगावले जातात। तर मला या ठिकाणी सोलापूरचे खासदार असतील किंवा दक्षिण सोलापूरचे आमदार असतील या सर्व लोकप्रतिनिधींना कळकळीची विनंती आहे की शासन दरबारी या संदर्भात पाठपुरावा करावा आणि लवकरात लवकर हे काम मार्गी लावावं, नाहीतर अन्यथा या ठिकाणी दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील असलेली जी काही गावं आहेत त्या गावातील लोकांना घेऊन या ठिकाणी धरणे आंदोलन करणार आहे, असा इशारा मी या ठिकाणी देतो आहे। धन्यवाद।